हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सब बहुत अच्छे हैं। चैप्टर थ्री खत्म कर रहे हो ना आज इस क्लास में? हाँ जी, चैप्टर थ्री बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज हमने सिंपली बात करनी है अपने तीनों कन्वेंशंस की और डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है इस चैप्टर में। हम नेक्स्ट क्लास से तो चैप्टर फोर स्टार्ट कर देंगे और चैप्टर फोर विद इन टू और मैक्सिमम थ्री, थ्री के भी चांसेस कम है, थ्री वीडियोज में फोर भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच स्टार्ट है मेरे यारों। तो बूस्टअप रहो, बस चीजों को करते रहो, मजा आने वाला है आपको इस पढ़ाई में। चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट कन्वेंशन की, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। यार नाम ही तो कह रहा है फुल डिस्क्लोजर, कह रहा है हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दो बस। हमें उससे मतलब नहीं किस अमाउंट की है, आपको रिकॉर्ड करना है तो करना है। आई बात समझ में? आइए रीड करते हैं। कह रहा है दिस कन्वेंशन रिक्वायर्ड दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, हर ट्रांजेक्शन जो है हमारी रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। इन अदर वर्ड, देयर शुड बी अ सफिशियंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ मेटीरियल इंटरेस्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज, जो कि हमारे यूजर्स कौन हो सकते हैं? प्रोप्राइटर्स हो सकते हैं, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है यार। कह रहे वेरियस आइटम्स और फैक्ट्स विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उन्हें जगह नहीं मिलेगी तो भी आपको डिस्क्लोज करना है। और वो कहां करना है? बैलेंस शीट के फुटनोट में। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कंटिंजेंट लाइबिलिटी का, कंटिंजेंट लाइबिलिटी को हम फुटनोट में दिखाते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। वो लाइबिलिटी जो किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करती है। आई बात समझ में? बेसिकली मेरे ऊपर एक लॉ सूट फाइल किया गया किसी ने, तो मेरी लायबिलिटी आ सकती है, आई नहीं है, वो डिपेंड करती है अगर वो केस मैं हार जाऊं तो। ठीक है, तो वो इवेंट क्या हो गया? कोर्ट केस। अगर मैं हार गया तो मेरी लायबिलिटी अभी अराइज नहीं हुई है, इसलिए मैं अपने फुटनोट में दिखा के चलूंगा कि यार देखो यार मेरे इन्वेस्टर्स, तुम्हें बता देता हूं मैं पहले कि मेरे ऊपर एक केस चल रहा है जिसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर अराइज हो सकती है। तो वही बात करी कंटिंजेंट लायबिलिटी, फॉर इंस्टांस ए क्लेम of a very big sum pending in court of law against the enterprise should be brought to the notice of the users of the financial statement. ठीक है, otherwise ये financial statement misleading हो सकती है हमने अगर disclose नहीं किया। but इसको हम financial statement में नहीं दिखा सकते, इसकी कोई जगह नहीं है वहां पे, but footnote तो है ना, तो नीचे दिखा देंगे बैलेंस शीट के। आई बात समझ में? फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ जो मेटीरियल है हमें डिस्क्लोज करके चलना है। आई बात समझ में? हाँ जी, चलो सर समझ आ गई। नेक्स्ट कहता है मेरा मेटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी मतलब हर वो मेटीरियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, हर चीज को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के एक्सेप्शन भी हैं। क्या कहता है? दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, और बींग इररेलीवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, जो यूजर के लिए इररेलीवेंट हो सकती है उसे डिस्क्लोज मत करो। ठीक है, ये अन इंपॉर्टेंट आइटम या तो हम छोड़ सकते हैं या फिर हम किसी चीज के साथ मर्ज करके इसको दिखा सकते हैं, मर्ज विद अदर आइटम, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी ओवरबर्डन। ठीक है, ओवरबर्डन हो सकती है सिर्फ मटेरियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। देखो यार, अब मेरे ऑफिस में रोज 10 रुपए की चाय पीता हूं मैं, वो मेरे लिए बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मेरे ऑफिस एक्सपेंडिचर में मैं वो हर दिन की चाय को रिकॉर्ड कर दूं तो मेरा ऑफिस एक्सपेंडिचर तो एक मटेरियल ट्रांजेक्शन बन सकता है ना, तो मैं उसमें इसको दिखा सकता हूं, या तो मैं छोड़ सकता हूं या फिर मैं मर्ज कर सकता हूं। आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ आती है। अब बात करते हैं लास्ट कन्वेंशन की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। यार देखो, कंजर्वेटिव हम बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स बड़े कंजर्वेटिव है, हमें कुछ नहीं करने देते। यार हमारे पेरेंट्स, सुनना मेरी बात को, ये बहुत इजी है ये कहना कि हमारे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव है, बट नहीं यार, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं, इसलिए वो हमें सेफ देखना चाहते हैं। अगर आप देखो, बच्चे को चोट अगर लगती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है हमारे पेरेंट्स पे, आता है नहीं आता? सो वही वही कंजर्वेटिज्म अकाउंट्स में भी यूज होता है। यार हम ये बोल रहे हैं कि हर वो एंटिसिपेटेड गेन जो हमें लगता है हो सकता है उसे इग्नोर कर दो, अभी रिकॉर्ड मत करो, बट हर एंटिसिपेटेड लॉस जो हमें पता है कि हो सकता है उसे बता दो। ठीक है, इसे बोलते हैं बीइंग प्ले सेफ, प्लेइंग सेफ। आई बात समझ में? हां जी सर, समझ आ जाती है। सिंपली जैसे पेरेंट्स वैसे ही बिजनेस, दोनों सेम सेफ खेलना चाहते हैं, हमारे साथ सेफ रहना चाहते हैं।
एंड अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. क्यों? क्योंकि वो हो सकते हैं हमारे लिए. अगर हमने डिस्क्लोज नहीं किया तो कल को हमारे यूजर्स ये बोल देंगे यार आपने तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी. बट यार देखो ऐसा होता ना, बोला जाता ना कि यार जब तक बेनिफिट हो ना जाए किसी को बताओ मत, सबके आगे गाओ मत. ठीक है, क्या पता ना हुआ तो दुख होगा ना. तो कह रहा बट ऑल एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड. इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिज्म या दिस पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, इसे हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ. प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस इवन दाउ द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी और एक्यूरेसी. चाहे हम एक्यूरेसी से या सर्टेनिटी से अमाउंट को डिफाइन नहीं कर सकते, फिर भी हमें रिकॉर्ड करके चलना है. आई बात समझ में? हाँ जी सर. चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन. सिंपल 6-5 लीगल पॉइंट्स हैं. इसके जो 5 पॉइंट है हमारे डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं, वो क्या है? बेसिस. फर्स्ट लीगल पोजीशन. कह रहा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैव लीगल एक्सेप्टेंस. इनकी लीगल एक्सेप्टेंस है तभी तो बोल रहे हैं ये यूनिफॉर्म है. ठीक है. एंड कन्वेंशन, ये तो गाइडलाइंस है जो कि हम कस्टम्स या यूजेज या पर्सनल एग्रीमेंट्स के बेसिस पे या फिर जनरल एग्रीमेंट्स या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाते हैं. आई बात समझ में? सेकेंड पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कह रहा है देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ना, ये है बेसिक अजम्पशंस. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, एंड अकाउंट को मेंटेन करते हैं. यहां पे मेंटेन अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिखता हूं मेंटेन्ड. ठीक है, अकाउंट को मेंटेन करते हैं. कह रहा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड. इसे हम फॉलो करते हैं कब? जब हम पीएनएल अकाउंट या फिर बैलेंस शीट बना रहे हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं. ठीक है, इसे यूज किया जाता है, इसके बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है. आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये दोनों पॉइंट समझ आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आइए समझते हैं. हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंस. फर्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट में सिग्निफिकेंस. कह रहे दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, हमने तो ये पहले दिन से ही पढ़ा है. कह रहे दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स यूजुअली फॉलोड इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांजेक्शन. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? फॉलोड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन. ओके, कह रहे दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट. ये कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है एज जितने ये हम कन्वेंशन की बात कर रहे हैं. ये उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितनी कंसेप्ट रखते हैं. दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट एज अकाउंटिंग कंसेप्ट. आई बस समझे? ओके सर. कह रहे रोल ऑफ पर्सनल. यहाँ पे कोई पर्सन की जजमेंट या बायसनेस का रोल नहीं है. देर इज नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट और इंडिविजुअल बायस, क्योंकि ये तो कंसेप्ट है यूनिफॉर्मली फॉलो करने ही करने हैं. वहां पे आता है क्रूशियल रोल पर्सनल जजमेंट का. पर्सनल जजमेंट में प्ले क्रूशियल रोल इन अडॉप्टिंग द अकाउंटिंग कन्वेंशन, क्योंकि यार हम पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे तो कन्वेंशन बना रहे हैं. आई बात समझ में? हाँ जी. यूनिफॉर्म एडॉप्शन, ऑब्वियसली यार यहाँ पे तो यूनिफॉर्म एडॉप्शन है ही. कह रहा देयर इज यूनिफॉर्म एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इन डिफरेंट एंटरप्राइज, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. नो यूनिफॉर्मिटी इन द एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन इन वेरियस एंटरप्राइज. सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस अपने अपने एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं, किनको? कन्वेंशंस को. तो यहाँ पे हम आपसे चैप्टर 3 की पूर्ण विराम की अनुमति लेते हैं. सर इतनी हिंदी? हाँ जी, कभी कभी बोल लेनी चाहिए, हमारी मातृभाषा भी तो हिंदी है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल खत्म हो जाता है, जहाँ पे हमने अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को पढ़े, मेजर और अदर्स दोनों को देखा. उसके बाद हमने अपने तीनों कन्वेंशंस को देखा और कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन में डिफरेंस की बात करी. आई बात समझ रहे? हाँ जी सर. चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. बाय.